उसमें बड़ी साफ बात यह है कि
1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, और कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से लेखकों का संचालन करता था। उसके बाद एकता बना नाटकों के उस क्षेत्र में। उसी तरह से आज इतिहासकारों की बात की जाती है, कौन नहीं जानता है कि रोमेरा थापर और डी एन झा, आर एस शर्मा, डी एन के एम श्रीमाली, ये सब के सब सी पी एम के इतिहासकार हैं। ये कोई उस तरह की बात नहीं है। और जिन लोगों ने इस चुनाव से पहले ये जनसत्ता में पूरी सूची थी, कोई 30 कहता है, कोई 50 कहता है, लेखकों की, जिन्होंने कहा कि मोदी को या भाजपा को वोट नहीं देना है, और उसमें तीसता क्या नाम है उनका पूरा शीतल वार्ड का भी नाम था। तो और एक वो सज्जन थे जो साहित्यकार ने, जिन्होंने कहा कि मोदी यदि यहाँ प्रधानमंत्री बने तो मैं देश छोड़ जाऊंगा, वो तो दुनिया छोड़ गए। तो जो लोग पहले से विरोधी थे, अब इस समय वो एकजुट होकर के सारी कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल और नक्सलाइट्स, उनके अलावा कांग्रेस, उनके साथ जितने मुस्लिम संस्थान हो सकते हैं उनके विरुद्ध, वो लोग सब मिल करके इस मौके का लाभ उठा रहे हैं, ये कह करके कि देश का वातावरण ऐसा हो गया है। अरे देश में सहिष्णुता नहीं है। आप अखबार पढ़िए, कार को कार से टक्कर हो गई, मोटरसाइकिल से हो गई, वहीं पर सड़क पर मार डाला उसको। एक दिल्ली के दैनिक जागरण में एक दिन में ये खबरें आई हैं, एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रेल की पटरी में कट गई, एक महिला अपनी गोद के बच्चे को लेकर के मेट्रो के सामने कूद गई, एक महिला 5 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, बात क्या थी, पति से झगड़ा हुआ था। तो सहिष्णुता नहीं होना एक चीज है, कम हो जाना एक चीज है, जीवन के जो कई के दबाव बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसको सांप्रदायिकता पर ला करके आप अटक जाएं, तो मुझे लगता है कि हम लोग, कम से कम मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये राजनीतिक षड्यंत्र मौके का लाभ उठा करके इस तरह से किया जा रहा है कि मोदी सरकार बदनाम हो, लोगों के मन में उसके प्रति धारणा सारी के सारी जो अच्छी हैं वो सब समाप्त हो, और अगले चुनाव में वो ना आ सके। सीधी सी इस तरह का षड्यंत्र मैं इसको मानता हूँ। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ूँ कि लेखक एक दक्षिणपंथी हो गया, एक वामपंथी हो गया है। पाठक के तौर पर मेरी बेचैनी, मेरी छटपटाहट को समझने की कोई जिम्मेदारी साहित्यकार की है या नहीं? आप कह रहे हैं लेखक दक्षिणपंथी हो गया है, वामपंथी हो गया है। मैं अपने तौर पर ये सोचता हूँ, आपसे पूछता नहीं हूँ, अपने तौर पर सोचता हूँ कि लेखक को एक व्यक्ति तो है कि वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेखक तो लाखों हैं, और हर लेखक अपनी प्रकृति और अपने विचारों के हिसाब से अलग है। और कब लेखक खेमों में बटा हुआ नहीं था, सूरदास के समय में भी उनके गुरु ने अपने शिष्यों को एक अलग वर्ग बना करके बनाया दिए हैं। और लेखक अगर एक जैसा हो जाए तो विविधता कहाँ रहेगी, मौलिकता कहाँ रहेगी, अलग अलग विचारों को लोग कैसे आगे लाएंगे। तो लेखक तो हमेशा से उसका बटा होना, उसका अलग होना, उसका विचारों में मतभेद होना, वैविध्य होना, ये तो किसी भी समाज के लिए हितकर बात होगी। किताबों में बढ़ते हैं, आपकी पहचान एक पौराणिक कथाओं को नए संदर्भ में लिखने को लेकर भी है। क्या मैं ये मानूं कि ये सब महासमर हो या राम कथा हो, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, राम कथा, गीता, ये सब चिपक आपके दिमाग में चिपक से गए हैं और आप इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला विषय है, क्या आप मर्म को समझ कर लिखते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रेमचंद और प्रसाद दोनों एक जैसे क्यों नहीं थे, दोनों में क्या अंतर था,
तो आप ये नहीं मानेंगे कि भाई व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जन्मजात हमारा स्वभाव अलग होता है, किसी को कोई चीज पसंद। अब जाने दीजिए साहित्य को, एक आदमी विज्ञान पढ़ता है, एक आदमी दर्शन पढ़ता है, एक आदमी साहित्य पढ़ता है, तो वो क्यों अलग है? इसलिए कि जो भगवद गीता में ही कृष्ण ने कहा कि जन्म जात स्वभाव, स्वभाव जो आपका भाव है और वही आपका स्वधर्म है, जो आपका भाव है वही आपका धर्म बन जाता है। इसलिए स्वधर्म आपका जो है अब उस पर चलेंगे। अब मैं नहीं जानता कि क्यों मैं इस ओर आया, मतलब आज तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं इन विषयों को और खरीदी जाती किताबों के लिए, यहाँ तक आ गए कि पैसे के लिए आप लिख रहे हैं, ये सब बातें हुई। लेकिन जब मैंने रामकथा जब पहले पहला खंड दीक्षा लिखा था, यदि आप मेरा विश्वास करें और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मुझ पर संदेह नहीं करेंगे, 2 वर्ष तक मैं उन चीजों को अपने मन में बटोरता। कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहती कि पिछड़े हुए लोगों को आगे ले जाने के लिए कोई उनका बौद्धिक नेतृत्व करे। मेरे मन में वो जुड़ गया, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण थे जो मेरे मन में जुड़ते गए और मैं सोचता रहा राम कथा इतनी बड़ी कथा, इतनी पुरानी कथा, इतने जिसके भक्त हैं वो मैं लिखूं। 4 प्रकाशकों से राम वो दीक्षा वापस आई, नहीं छापेंगे, छपने लायक नहीं। 4 दुखी होकर के हमारे मित्र थे पराग प्रकाशन वाले श्री कृष्ण, उसको मैंने कहा यार इसको छाप, पैसे मैं दूंगा। तो उसने जब पैसे मैं दे रहा हूं उसको क्या दिक्कत थी, प्रेस में डाल दी। और जब वो प्रूफ पढ़ रहा था तब उसने मुझसे कहा कि कोहली साहब रॉयल्टी पर ले गए। तो मैंने कहा अंधा क्या चाहे दो आके, क्योंकि पहले खंड के तो पैसे मैं दे दूंगा, दूसरे खंड के कौन देगा, इसलिए रॉयल्टी पर वो किताब पे। तो आरंभ से ऐसा नहीं था और हमने दीक्षा पर कहीं नहीं लिखा कि ये राम कथा है। और जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया 10-20-25 पृष्ठ पर के बोले अरे ये तो राम कथा है, कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा है ना पर हमने आपको बताया नहीं, हम चाहते हैं आप इसको उपन्यास के रूप में पढ़ें। और वो पढ़ी गई और अब उसको लिखे हुए लगभग 35 वर्ष हो गए, 75 में वो छपी तो 25 साल वो और 15-40 वर्ष हो गए, और वो 3-3 प्रकाशकों से 4-4 संस्करणों में आज भी उसी तरह से बिक रही है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि युद्ध होने वाला है, ये धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच का संवाद है। गांधारी धृतराष्ट्र से कह रही है कि भाई युद्ध होने वाला है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी बहुएं मेरे सीने पर मुंह दल रही है। तो उसका जवाब जो है धृतराष्ट्र कैसे देते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अच्छा उनसे कह दूंगा कि सास की छाती छोड़कर कहीं और जाकर मुंह दल। वह बोला किंतु ये मुंह दाल दल क्यों रही है, पकौड़ियाँ चलेंगी क्या? कोहली साहब ये मुझे लगता है कि जैसे मैं हस्तिनापुर में नहीं चांदनी चौक में खड़ा हूँ। ये शिकायत हमारे एक और मित्र ने भी की है कि ये तो पकौड़ियाँ तलने पर रह गए, उसके आगे वो ये है कि क्या जलेबियाँ तलेंगी। तो मेरा कहना ये कि ठीक है, आपको झटका लगता है कि ये गीता जैसी चीज में ये बात कहाँ से आ गई। अगर आपको झटका लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर उपन्यास बनाने के लिए मुझे लगता है कि बड़ी सहज स्वाभाविक बात है कि एक मुहावरा है हिंदी में कि छाती पर मूंग दलना। अब वो कह रही है कि मेरी छाती पर मूंग दल रही है, तो वो कहते हैं भाई तेरी छाती पर मूंग क्यों दलती, कहीं और क्यों नहीं दल लेती। आखिर धृतराष्ट्र भी गांधारी से उतना ही दुखी है, दोनों बूढ़े हैं ना। आप में से जो जब जरा उम्र बड़ी हो जाएगी तो देखिएगा कि बुढ़ा बुढ़िया कितना लड़ते हैं, एक दूसरे से दुखी रहते हैं और लड़ते रहते हैं कितना ज्यादा, धैर्य बिल्कुल नहीं होता है और पुनरावृत्ति इतनी होती है कि अभी कहा पत्नी ने कहा कि ये काम कर दो, वो उठ के जा रहा है तो वो फिर कहेगी अरे ये काम कर दो, वैसे वो बोलता है। तो
उस तरह की मानसिकता में अगर वो ये कहता है कि छास की छाती पर ताल क्यों, मुंह क्यों दल रही हो, कहीं और दल लो, तो फिर एक साथ में रोचकता के लिए, सरसता के लिए उपन्यास बनाने के लिए कहा कि दाल भुनी दल ही क्यों रही है, पकौड़ियाँ तलेंगी क्या? इसमें मुझे लगता है कम से कम मैं इसको अभी लिखने के बाद, आपत्ति होने के बाद भी गलत नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ संवादों के माध्यम से वो और रोचक बनता है। हमारी शुरू से इस तरह का उद्देश्य था कि कोई आपसे वो बात करके जिन्होंने आपको पूरा संगोपालन पढ़ा है, तो आनंद वर्धन होता है। मेरा नाम आनंद वर्धन है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अपने त्रेता और द्वापर दोनों को पूरा टच किया है, खूब अच्छे से हमने आपको पढ़ा है, ऐसा कौन सा चरित्र था जिसने आपकी कलम को इतना रोक दिया कि आप बार बार उसी पर ही लिखते रहे, आगे तक लिखते रहे, उस चरित्र के बारे में कुछ कर दिया? नहीं, आपके मतलब जो छप चुका है, जो भी रिलीज हुआ है वो नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं ये थोड़ा व्यंग्य भी बहुत लिखा है तो हल्के पर मैं थोड़ा कह देने को मिली। देखिए, मैंने ये बात आरंभ में कही कि ये विषय मैंने नहीं चुने, इन विषयों ने मुझको चुना। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि ऐसा क्या कारण था कि नायक चुनते हुए मुझे राम दिखाई देते हैं, मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं, मुझे युधिष्ठिर दिखाई देते हैं, मुझे विवेकानंद दिखाई देते हैं, उन सब में समान क्या था? अगर आप देखें तो मोटे शब्दों में यही कहा जाएगा कि मुझे स्वयं अत्याचार से, अन्याय से, अपराध से, अधर्म से विरोध है, और जो लोग उसके पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, समता के पक्ष में जो लोग हैं, उनसे मुझे, मैं स्वयं वो बन पाऊँ ना बन पाऊँ, पर उनसे मुझे पूरी सहानुभूति है, उनसे मेरा मन उनके लिए तड़पता है, इसलिए उन लोगों को पढ़ करके। अब विवेकानंद तो पौराणिक पुरुष नहीं है, 150 साल हुए हैं, लेकिन उनके चरित्र को देख करके मुझको वो भी उतना ही प्रिय है कि 6 खंड आ गए, 7वां खंड आ रहा है, तो कितना समय मैंने लगाया होगा आप सोचिए। तो ये जो मैंने आरंभ में बात कही, स्वभाव ऐसा नहीं है। देखिए, एक बच्चों की फिल्म देखने जाइए और अब देखिए कि जिस समय जो नायक है वो विलन को पीटता है तो सारे बच्चे तालियां बजाते हैं, जब रावण जलाया जाता है हर आदमी खुशी प्रकट करता है, क्यों करता है? ये स्वाभाविक है, प्रकृति ने मनुष्य के भीतर एक डाला है कि आप सत्य के, धर्म के पक्ष में, न्याय और सत्ता के पक्ष में। राक्षसों के अन्याय का जन्म होता है। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज तक के 69 साल के हमारे वर्तमान लोकतंत्र का मूल्यांकन और विश्लेषण आप किस तरह करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये इस उपन्यास में भी आया है कि जब ये बात होती है कि अधर्म जीत जाएगा, धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को आज भी विश्वास है, कर्ण को आज भी विश्वास है कि वो लोग जीत जाएंगे, तो कृष्ण कहते हैं कि जब तक धर्म शस्त्र नहीं उठाता तभी तक अधर्म जीतता है, जब धर्म शस्त्र उठा लेगा तो अधर्म जीत नहीं पाएगा। ये हर युग के लिए सत्य, जहां जहां जनता उठती है। देखिए, जहां अमेरिका जैसी महाशक्ति को चीन में भगा दिया, वियतनाम में भगा दिया, कोरिया में भगा दिया, किन लोगों ने, जिनको वो कीड़े मकोड़े मानते थे, उन लोगों ने, लेकिन जनसामान्य जितने भी बड़े पात्र हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने अपने आप को समाज के सबसे निम्नतम वर्ग, सबसे पिछड़े हुए लोगों के साथ जोड़ा। राम को इसीलिए कहते हैं कि वानर भालू, वानर भालू क्षमा कीजिएगा, मैं उनको वानर भालू शाखा मृग नहीं मानता, मैं उनको मनुष्य ही मानता हूँ, पिछड़े हुए वानर, वह नर, वानर वन में रहने वाला नर, नर से थोड़ा सा भिन्न। तो जब वो प्रजा उठती है, मिट्टी में से सेनाएं बनती हैं और बड़ी से बड़ी शक्ति की दिला देती है, वही चीज इसमें भी यही है।
एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से श्री नरेंद्र कोहली जी के लिए। श्री एल पी पंत जी के लिए। प्रभाग्यताम फाउंडेशन और वी केयर की ओर से पुनः धन्यवाद श्री सीमेंस का, कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल मैरियट का, कलम के मीडिया पार्टनर्स दैनिक भास्कर का। आप सभी अपनी प्रति लेकर श्री कोहली जी से सिग्नेचर करवा सकते हैं। शरणम पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। धन्यवाद। सब पर नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ। नाम अपने आप लिख लीजिए। आपका प्रश्न रहेगा इसमें, नहीं आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा शुरू होता है। देखिए हमारा प्रयत्न है, बाकी राम जी की लीला सब कुछ हमारे हाथ में से। नाम मैंने कहा No, first you finish the card.